कराई थी एक्सरसाइज कर रहा था, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी बात कर लो आप लोगों से। तो सुबह एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। पीछे सॉन्ग बज रहा 10 डॉन, पसीना देख रहे हो कितना आ रहा, मजा आ गया सुबह सुबह एक्सरसाइज करके। दे मैं मार लूंगा, दे झाड़ू, दे मेरे को, दे दे कहाँ मारना है, पूरे मारना है, पूरा कई जम गई यार यहाँ पे, डर भी लग रहा सांप सूप ना निकल जाए यहाँ से। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज सुबह की गुड मॉर्निंग हमारी एक्सरसाइज के साथ हुई थी और एक पोपट भी हो गया मेरा। तो मेरा पोपट हो गया, मुझे पता नहीं लगा, मैंने आज दो बार ब्रूस कर दिया, एक एक्सरसाइज करने से पहले और एक एक्सरसाइज करने के बाद जब मैं नहाने के लिए जा रहा था। तो जब मैंने ख़त्म कर दिया था ना सेकेंड टाइम, तब मुझे याद आया, अरे मैंने तो ब्रूस पहले ही कर लिया था। रुस्तम चल, ये गाइस ऐसे सोया रहता है, ऐसे बिस्किट देंगे ना तब खड़ा हो जाएगा ये, मैं भी सो रखा है, सोने दो इसे। देखते हैं मम्मी ने क्या बना रखा है। ओ भाई मम्मी तो यहाँ पे, मम्मी ने आलू बड़ी बना रखा है, आलू बड़ी रोटी मैं तो खा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला दूध गर्म करो भाई मेरे लिए, और ये रोटी बना रखी मेरी मम्मी ने, और ये मेरी मम्मी यहाँ पे शर्मा रही मम्मी। मैं नहीं खा रहा ना ये सब्जी, सब्जी लेके जाए यार माँ, मेरे को पसंद नहीं है थाली में सब्जी रखना ऐसे फालतू में। यार बोला भी था कि सब्जी मत ले, मेरे को अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह नमक मर्च खाना यार, दूध में रोटी खा लूंगा बस बात खत्म। अरे दांत लेके आ रहा हूं, तू जा यहां से, जा तेरी कसम लेके आ, तू जा ना। गाइस मेरी मम्मी जा नहीं रही, मेरी मम्मी बोली दाल लेके आ, तो दाल लेके आता हूं फटाफट यार ना, ऐसी गली पड़ती है मुझे। और कल थोड़ा घर में पापा के साथ थोड़ा पापा ने डांट दिया यार, आज जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं परमात्मा जी, जा रहा हूं। तो सुबह की मॉर्निंग तो मेरी एक्सरसाइज के साथ शुरू हुई थी और दो बार मैंने ब्रूश कर दिया, पोपट हो गया मेरा। बताऊँ वैसे तो, चलो बता ही देता हूँ। सुबह ब्रूश किया जैसे तो रोज़ करते हैं लोग सुबह, फिर मैंने एक्सरसाइज करने के बाद जब मैं नहाने के लिए गया, अब मुझे याद ही नहीं रहा मैंने ब्रूश करने लग गया मैं, जब मैंने ब्रूश कम्प्लीट किया तो मुझे याद आया, अबे यार मैंने तो ब्रूश कर लिया। और ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ये बताने का मतलब ये था कि गाइस आप में से कोई है जिसने ऐसे दो बार ब्रूश किया तो बताना। और बाहर मौसम दोबारा ख़राब हो चुका है, सुबह धूप आ रही है, दोबारा मौसम ख़राब हो गया गाइस। अभी हम फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं गाइस, ब्रेकफास्ट। तो गाइस मौसम के कुछ हाल ऐसे हैं, आजकल मैं मौसम विभाग वाला बन रखा हूँ और हमारे फूल कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं, देखो बारिश होने वाली है थोड़ी देर में ही। गाइस यार कल तो मैंने पैसे रखे थे, इसमें तो 500 नोट है ही नहीं यार, मैं पॉकेट में रखा था, मिल ही नहीं रहा, मेरे को डर लग रहा है यार, बाय को डर लग रहा है, मम्मी हम पता नहीं क्या बोलेगी, हम इसे पूछ लेते हैं एक बार। बहुत डर लग रहा है भाई, बहुत। माँ कल तूने मुझे कितने रुपए दिए थे? 600 हैं, मैंने तेरे को वापस आके दिए थे कुछ पैसे, सच से बता तेरी कसम। माँ मेरे पे तो 50-100 रुपए ही हैं यार, तेरी कसम 50-100 रुपए हैं बस, 500 रुपए दे दी थी। दिमाग खराब, मैं डर गया यार, मैंने सोचा मेरे पैसे गायब हो गए, मुझे लगा मैं एम्स गया और वहाँ पे कहीं गिर गए पैसे, ऐसे बता नहीं सकती भाई। मैं इतना डर गया, मैंने बोला 500 रुपए का नुकसान हो गया, कल तो इतना हल्ला हो रहा था घर में भाई, मैं पैसे काम मत किया, मैं वहाँ ढूंढते रह गया, अब मैं ढूंढ रहा हूँ वहाँ। ले कौन सी दाल लानी है? तो भड़ंगा करी थी, अब कौन सी दाल लानी है? मलका कितना लानी है? 1 किलो मलका बस, ठीक है ठीक है भाई, 1 किलो दाल ले लेते हैं मलका। और बाहर बारिश शुरू हो गई यार, ये देखो भाई हमारे अंकल जी है यहाँ से ले आते हैं सामान। मैंने दाल तो ले ली पर मुझे समझ नहीं है कि ये मलका है, मैं ये लग रहा है मैं भूल गया वहाँ बोलने में, मम्मी पता नहीं क्या बोलती है। मैं तो भूल के मुझे समझ नहीं आ रहा, यही है ना मलका है पक्का? चल ठीक है फिर, ये ले पैसे बचे 10 रुपये और हैं, 86 का, ठीक है। ओए रुस्तम 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 रुस्तम, ओ भाई बाहुबली है मेरी मम्मी तो, मैं कहाँ से कहाँ फेंक दिया। तो गैस सिलेंडर की बुकिंग कराई थी, सिलेंडर ले लेते हैं अंकल जी से, नया ले लेंगे। गाइस स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, स्कूल खुल गए कल से, मेरी मम्मी ने कैसे फेंका सिलेंडर। गाइस अभी मम्मी ने मेरे को बताया, मेरी बहन आई है, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई है, कल वैक्सीनेशन लगाए थे ना इस वजह से, तो देखते हैं मेरी बहन। अरे तो लेट रही है बहन, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा थक गई। बैठ जा, तू
मेरे को लेने नहीं आया। आ मेरे साथ। मैंने बोला था माँ को, फिर बारिश नहीं होगी थी। लेने आ जाता वैन में आएंगे फिर बच्चों के साथ। हैं वैन में ही? पैसे लिए? नहीं नहीं फ्री में आएंगे, उसमें क्यों आएंगे? क्या होती है तबीयत को? अरे मैं सुबह से बहुत काम कर रही थी ना, तो वीकनेस लग गई नहीं। चलो कहाँ, यहाँ एक इंजेक्शन लगाया था ना, पैरासीटामोल खाई तुमने? तो गाइस ऐसा कुछ था, मेरी तबीयत ऐसे खराब नहीं हुई, बट वो मेरे को ना वीकनेस होने लगी। वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स देख लो, हल्का फुल्का मतलब ऐसा होता है ना, क्लमजीनेस होती है ना। मतलब कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, मैं सुबह से काम वाम कर रही थी, मुझे कुछ नहीं। वो बार बार बोल रहे थे ना मुझे, मैं दीवार में को उनको देख के, कल तो ऐसे कुछ हुआ नहीं है। मैं बोलूं इतनी हट्टी कट्टी पहलवान है, इतनी हट्टी कट्टी पहलवान है, इसे कल तो कुछ हुआ नहीं, आज कैसे हो गया जाना? और मौसम भी ठंडा है यार, तो गर्म गर्म होता तो फिर तो मैं समझता भी, बट चलो जो भी है। मेरी बहन खाना नहीं बनाया, मम्मी ने फ्रूटी ला दे। गाइस बारिश देखो कितनी खतरनाक हो रही है। और तेज हो, बहुत तेज बारिश हो रही है आज तो, रहा में बारिश हो रही है बहुत तेज। मन कर रहा है मेरा नालू और ठंडी ठंडी मतलब गर्म गर्म चाय पीने को मिल जाए। प्यार हुआ चुप कैसे। गाइस अंदर कपड़े ऐसे सुखा रखे हैं हमारे घर वालों ने, यहाँ टेबल पे, यहाँ पे और यहाँ पे, बिकॉज बाहर बहुत बारिश हो रही है तो बारिश में तो भीग गए थे कपड़े। भिंडी की सब्जी बन रही है और रोटी बन रही है। आज थोड़ा जल्दी हो रहा है बिकॉज मेरे जट्ठी को जाना है ना, बारिश हो रही है इसलिए, तो आज 5 बजे ही थोड़ा डिनर बनने वाला है। देखो गाइस आज दोबारा ओवरफ्लो करने लग गया, यहाँ पे स्विमिंग पूल बन गया एक मस्त वाला, और वो वाटरफॉल बन गया, यहाँ से दिखेगा वो देखो पूरा पानी पानी अब रोड में जाएगा। तो गाइस मुझे दोबारा ये जाना पड़ रहा है, जट्ठी आ रखी मेरी, उनके साथ जा रहा हूँ मैं, और इन्हीं कपड़ों में जा रहा हूँ। कल भी मैंने ये पहने थे तो मैंने बोला इनको गंदे कर लेता हूँ, बाहर तो मौसम बारिश अभी थोड़ी थम रही की है, और पापा आएंगे स्कूटी में जाऊँगा मैं। मोटो व्लॉग सेटअप है, मोटो व्लॉग में मिलते हैं। तो मैंने सोचा बता दूँ आप लोगों के मैं कहाँ जा रहा हूँ, एम्स जा रहा हूँ, एम्स में वीडियो नहीं बना लेते ना, तो फटाफट चलते हैं, पापा आए नहीं है। गाइस हम जा रहे हैं यार बाइक, इसलिए मैं बाइक में नहीं बोल रहा था, बाइक में दिक्कत हो जाती है यार। अब जट्ठी आ नहीं रही, तब से जट्ठी बोल रही थी चलो चलो, ये देखो रुस्तम आ जा आ जा, आओ जट्ठी जट्ठी आ जाओ फटाफट, बैग आके आ जाएगा। कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। बहुत परेशान हो गया था गाइस मैं, दो दो जगह फाटक मिले और दो दो ट्रेन क्रॉस करी थी, बहुत दिक्कत हुई। और देखो गाइस 6:22 हो गए, इतने में तो मैं ऋषिकेश पहुँच जाता हूँ, और अभी मैं यहीं नहीं एम्स ही नहीं पहुँच पाया। और ये जगह देखो, कल रात को यहाँ पे ना गुल्लार आया था कि बाघ आया था, वीडियो में देखा था मैंने, किसी ने शेयर कर रखी थी। तो यहाँ पे जो मॉर्निंग वॉक करते हैं ना उनको थोड़ा मतलब सावधानी बरतने की जरूरत है, जो लोग जा रहे हैं इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे लिखा है बाएँ चलिए, जगह तो बहुत प्यारी है यार ये वॉक करने के लिए, बट खतरा भी तो है ना गाई, ये यहाँ पे डूबी थी बेची की गाड़ी। तो ये जगह बहुत ही सुंदर है, हरियाली हरियाली है यहाँ। और मेरी जट्ठी आज बहुत परेशान हो गई है मेरे साथ, बहुत लेट हो रही है जट्ठी को। तो आप लोग बताना आप लोगों को हाइपरलैप्स कैसा लगा, वो बहुत टाइम लगा उसे बनाने में। व्यू बहुत मस्त है ना गाइस, सामने फॉग ही फॉग है ऋषिकेश में। और भैया जी तुम्हारे 2 लीटर हाँ
फिर ऊपर तक तो नहीं जाएगा ना जड़ तक। किलो ये, आधा किलो ये, ठीक है? ठीक है, आधा किलो ना। हाँ जी, ये थोड़े बैंगन अच्छे करना, ठीक है? तो फ्यूल अब तो हम गाइस हमने करा लिया है, हमें थोड़ा सा आपको मार्केट दिखा देता हूँ। मैं दीदी को छोड़ के दोबारा आया, तो मैं हनुमान मंदिर दिखाना चाहता था आपको, बट अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं पाया, अब दिखाऊँगा। अरे सब्ज़ी तो बहुत महंगी हो गई, बैंक 80 रुपये की सब्ज़ी आए, बताओ। अबे भाई यहाँ घोड़ा भी आ रखा है गाइस, अबे राय वाला में घोड़ा आ गया, देखो फिर देखो गाइस घोड़ा रखा। गाइस मंगलवार है और मंगलवार को हनुमान जी में बहुत भीड़ रहती है, जब मैं आया था तब बहुत भीड़ थी। देखो हमारे हनुमान जी के मंदिर है, जय हनुमान जी की। देवताओं के लिए चढ़ाने के लिए, और रोटी की बर्बादी मेरी बहन ने बना दी है इतनी सारी। अंदर होगा, अंदर बस छोरा फुगे गया, तो कोई फुगे जाने। तो गाइस आज का डे जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत हैक्टिक भरा रहा, बहुत सारे काम करने के लिए, कभी बारिश, कभी धूप, कभी मेरे पैसे गुम होने की खबर। तो मतलब कि क्या ही बताऊँ मतलब, वो आज क्या ही बताऊँ दोस्तों, आज का एक्सपीरियंस बहुत ख़तरनाक रहा। फिर अभी राइडिंग करी, फिर अभी रात को राइडिंग करके आया, आप लोगों को भी थोड़ा दिखाया, तो अच्छा लगा। बाद में ये सारे एक्सपीरियंस होने से पहले जब सोचता हूँ तब अच्छा लगता है। तो एनीवे गाइस, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और शेयर कर दिया करो यार, आप लोग करते नहीं हो शेयर, अगर अच्छी लगती हो, जेन्युइनली कह रहा हूँ। तो बस ऐसी वीडियोस देखते रहना।